आज हम लोग प्रेपोजिशन सीखने वाले हैं। हमारे पास 8 प्रकार के प्रेपोजिशन लिखे हैं, जो है इनका मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, नियर का मतलब होता है पास में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, इन फ्रंट का मतलब होता है आगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक बुक है और एक कुर्सी है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ बुक एंड दिस इज अ चेयर। ओके स्टार्ट करते हैं। सिफा, वेयर इज द बुक? द बुक इज ऑन द चेयर। सही बताया सिफा ने। यस भैया, तालियां बजाओ सिफा के लिए। आवेश, वेयर इज द बुक? द बुक इज अंडर द चेयर। द बुक इज अंडर द चेयर, सही बताया। यस भैया, तालियां बजाओ इसके लिए। ईशान, वेयर इज द बुक? The book is beside the chair. सही बताया? Yes, भैया। ताली बजाओ शाम के लिए। मंतिसा, where is the book? The book is behind the chair. The book is behind the chair. सही बताया? Yes, भैया। ताली बजाओ मंतिसा के लिए। Very good. आफरीन, where is the book? The book is in front of the chair. The book is in front of the chair. सही बताया? Yes, भैया। ताली बजाओ सब बच्चे। जोया, where is the book? The book is near the chair. The book is near the chair. बुक कहाँ है? कुर्सी के पास में है। Very good. ताली बजाओ जोया के लिए बच्चे। आरजू, आप बताओ, where is the book? The book is in front of the chair. The book is in front of the chair. Yeah. सही बताया? Yes, भैया। ठीक है, ताली बजाओ। आपको समझ में आया बेटा प्रेपोजिशन? Yes, भैया। आप सभी को प्रेपोजिशन के पांच पांच सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है? Yes, thank you children. Thank you.